इसी से मेरा सवाल फिर ये एडिशनल जुड़ता है कि जो आप कह रहे हैं कि संकेत अच्छे नहीं है वो संकेत क्या खासतौर पर हाजीपुर सीट के लिए है देखिए एनडीए अभी तक बीजेपी हाजीपुर सीट, पर सीट से पशुपतिनाथ पारस को ही लड़ाना चाह रहे अभी तक बीजेपी बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को ही लड़ाना चाह रहे हैं और एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पशुपति नाथ पारस का पलड़ा तब से भारी हो गया है जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस देखें उनके चेहरे पर हंसी देखें मुस्कान देखें प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखें तो आप पाएंगे कि पशुपति नाथ पारस कितने कंफर्टेबल दिखाई पड़ते और यही बात एल रामविलास को बहुत चुभ रही है उस कैंप में इस बात को लेकर के गुस्सा है दरअसल असल एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के एक नेता से आज मेरी सुबह बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब जेडीयू नहीं आई थी तो हमसे कहा गया था कि छह सीट आपको देंगे तो छह सीट हमको देने की बात थी और हम इनके ट्रस्टेड एल रहे जेडीयू छोड़कर के भी चली गई तो हम इनके साथ हैं अब ऐसे में जो इन्होंने वादा किया था उससे वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं हम तो इनके साथ रहने को तैयार हैं पर अगर ये हमें रखने को तैयार नहीं है तो और बात है अभी तक ना हम कुछ बोल रहे हैं ना हमारे प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं हम केवल मौके का इंतजार कर रहे हैं हम देखना चाह रहे हैं कि यह हमें क्या ऑफर करते हैं लेकिन ये भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ताकत अब बिहार में कोई कम नहीं है हमारे नेता कोई कम लोकप्रिय नहीं है हम भी चीजों को बना और बिगाड़ सकते हैं ये मैं बता रहा हूं वर्ड बाय वर्ड जो हम, जो मुझसे बताया गया एल जे पी रामविलास के एक इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कहा अभी मेरा नाम कोट मत करिएगा लेकिन हम हमारी पार्टी अब कोई वैसी पार्टी नहीं रह गई है जिसको आप किसी तरीके से इग्नोर कर लीजिएगा या कुछ एक एक का दुख का सीट करके कहिएगा कहीं से लड़ जाओ किसान से लड़ जाओ, यहां से लड़ जाओ जाओ से तुम्हारे लिए बहुत है। अगर मैं हनुमान की तरह वफादार हूं तो राम को भी सोचना पड़ेगा कि हम हनुमान हमारे लिए वफादार है तो वफादारी के बदले उसको क्या देना सिर्फ हमारी वफादारी की ही परीक्षा नहीं होनी चाहिए नहीं। और कल आपको पता होगा कि एलजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने भी इस तरह की बात की कि राम को आगे आकर के बताना होगा कि हनुमान को वो कितना पसंद करते दरअसल वाकई हनुमान मानते भी हैं या नहीं मानते अब सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान का कैंप कहने को तो प्रेस में कहता है हमें छह सीटें चाहिए लेकिन मुझे पुख्ता तौर पर मालूम है कि चार से कम पे नहीं माने और चार वो सीटें जो कल मैं वीडियो में बता रहा था कि चार सीटों में हाजीपुर बहुत इंपॉर्टेंट हाजीपुर से दिवंगत नेता रामविलास पासवान लड़ते थे वहां की विरासत हर हाल में चिराग पासवान संभालना चाहते ऐसे में अगर चिराग पासवान को हाजीपुर ही नहीं मिलेगा नहीं। तो नाराजगी तो होगी और वो हाजीपुर ही नहीं चाहते वो जमुई भी चाहते हैं वो वैशाली भी चाहते हैं नवादा और जहानाबाद में कोई एक सीट चाहते हैं ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये चारों सीटें उनको मिल रही है छ से चार पे कंप्रोमाइज तो कर लेंगे लेकिन चार मन चाही सीटें चाहिए अगर ये नहीं मिला तो निश्चित तौर पर दूसरा रास्ता तो तैयार है ये बताइए कि जो बातचीत चल रही है चिराग पासवान की वो सीधे दिल्ली से डीलिंग हो रही है क्योंकि चिराग पासवान तो जैसा कि आप लगातार बताते रहे हैं कि उनकी बातचीत दिल्ली से ही होती तो दिल्ली की तरफ से कोई बातचीत चिराग के पास कोई डायलॉग स्थापित हुआ इसको लेकर कि अभी लोकल स्तर पर ही ये पूरा सीट को लेकर गणित चल रहा है देखिए पहले तो स्टेट के लेवल पर जो स्टेट चुनाव समिति होती है हाँ। बीजेपी वो तय करती है कि बदले परिस्थिति में हम किसको क्या सीट दे सकते हैं जी और वहां से केंद्रीय समिति के पास आती है केंद्रीय समिति को इस पर बैठना है अब बिहार की जो समिति है लोकल इकाई है उसके तरफ से इंडिकेशंस तो पुख्ता मिल रहे हैं कि हम तीन से ज्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो बिहार की इकाई है वो एलजेपी को दो भागों में नहीं देख रही और यही महत्वपूर्ण बात है सौरभ जो कि समझना बहुत जरूरी कि वो बीजेपी उनको एक देख रही और एक मान करके पांच सीटें देने को तैयार है और चिराग का कहना है कि असली एलजेपी हम है सारी विरासत हमारे पास है सारे समर्थक हमारे पास है सारी इकाई यूनिट हमारे पास है तो इसलिए अगर आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं चिराग की पार्टी का कहना है कि जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तब तक तो आप हमारी बात सब मान रहे थे अब वादा खिलाफी करेंगे तो आप करेंगे हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो सवाल यह है कि बीजेपी कहती है बदली परिस्थिति में ये स्थिति है चिराग कहते हैं कि वादा खिलाफी आप कर रहे हैं हम आपके वफादार हैं तो आप हमें हमेशा जब नीतीश कुमार आते हैं तो आप हमें दूर दूर करने लगते हैं ऐसे में आपको तय करना है कि करना क्या